लौकी और मटर की इतनी स्वादिष्ट सब्जी कि मटर पनीर खाना भूल जाएंगे। यही सब्जी आप बार बार बनाएंगे। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब, मजे में हो ना? मैं भी मजे में हूँ। तो आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी लौकी और मटर की इतनी स्वादिष्ट सब्जी कि बच्चे भी लौकी खाना स्टार्ट कर देंगे। तो चलो, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो सबसे पहले हम लेंगे लौकी और मटर। ये मटर को हम छील लेंगे और लौकी को हम काट लेंगे छोटे छोटे टुकड़ों में पनीर के शेप में। तो देखो, मटर भी मैंने छिल रही है और लौकी को भी मैंने अच्छे से काट लिया है। अब इसको हम एक बड़े बाउल में डाल देते हैं, मटर और लौकी को। देखो, लौकी डाल दी है मैंने, मटर को भी डाल देती हूँ। और देखो, हरी मिर्ची भी काट ली है नहीं मैंने बारीक बारीक। अब इसमें हम लौकी और मटर में हम पानी डाल देंगे। अब हम गैस पर रखेंगे एक कढ़ाई। कढ़ाई में हम डालेंगे घी, शुद्ध देसी घी। अगर आपके पास घी ना हो तो आप बटर का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर रिफाइंड ऑयल वगैरह का, पर घी का स्वाद बहुत अच्छा आता है सब्ज़ी में। तो आप, मैं रिकमेंड करूँगी कि घी का ही यूज़ करें। अब इसमें हम डालेंगे जीरा और थोड़ी सी हींग, जिसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है गाइस। इसके बाद हम डालेंगे बारीक कटा हुआ हरी मिर्च। इन तीनों को हम अच्छे से चला लेंगे। जब हमारी मिर्ची हो जाए उसके बाद हम डालेंगे लौकी और मटर जो हमने पानी में डाल के रखी थी ना, इसका पानी नहीं डालेंगे, लौकी और मटर बस डालेंगे। देखो, इस तरह से लौकी और मटर वॉश करते डालती जा रही हूँ। आपको बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी ये सब्जी, आप ज़रूर ट्राई करें मेरी वीडियो देखकर। और आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब इसमें डालेंगे कुछ स्पाइसेस। सबसे पहले डालेंगे हम हल्दी पाउडर, फिर इसके बाद हम डालेंगे धनिया पाउडर, फिर इसके बाद हम डालेंगे रेड चिली पाउडर। रेड चिली पाउडर जितना तीखा आप खाते हो उतना तीखेपन के हिसाब से डालें। फिर इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। मेरे को तो ये वाली सब्जी काफ़ी पसंद आई थी गाइस, तो आप ज़रूर ट्राई करें। मैं पहले लौकी नहीं खाती थी पर अब लौकी खाने लग गई। अब इसमें डालेंगे हम सॉल्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग। इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। और इसमें हम डालेंगे हल्का सा पानी। अभी हल्का सा डाला है, मैं थोड़ी देर बाद और थोड़ा सा और डाल दूंगी क्योंकि लौकी भी पानी छोड़ती है, इसलिए मैंने अभी हल्का सा डाला है, थोड़ी देर बाद थोड़ा सा और डाल दूंगी बस। ये देखो कितना अच्छा लग रहा है ना, देखना। अब इसको हम प्लेट से ढक के रख देते हैं, थोड़ी देर बाद देखेंगे अपन प्लेट उठा के। ये देखो, थोड़ी देर बाद, मैंने कहा था ना लौकी पानी छोड़ती है, और जो मैंने पानी डाला हुआ था वो भी हम इसको अच्छे से मिक्स करके दोबारा से रख देंगे। चलो, अब लौकी और मटर हम चेक कर लेते हैं। देखो, ये मटर हमारी हो चुकी है, लौकी भी हमारी हो चुकी है। को हम एक बार चेक कर लेते हैं। देखो, इस तरह से पिचका के देख रही हूँ मैं। देखो, मटर भी हो चुकी है। अब इस स्टेज पे हम टमाटर डाल देंगे बारीक कटा हुआ। टमाटर का भी टेस्ट काफ़ी अच्छा होता है सब्जी में। स्टार्टिंग में मैंने इसलिए नहीं डाले थे टमाटर, क्योंकि टमाटर फिर कम हो जाते हैं, दिखाई भी नहीं देते, इसलिए मैंने एंड में डाला। तो दोबारा चेक कर लेते हैं। ये देखो, लगभग पानी इसका सूख चुका है। अब इसमें हम डालेंगे मीठा मावा। इसमें मावा में मैंने शुगर ऐड कर ली थी, चीनी, जिससे मीठा हो गया था ये, और मीठेपन का भी स्वाद हमें सब्जी में चाहिए था, तो इसलिए मैंने मीठा मावा लिया है। मावा को हम खोआ भी बोलते हैं, इसमें ऐड कर दिया। इसका भी टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। अगर आप मीठा मावा ना करें तो फिर आप ऐसे ही मावा डाल सकते हैं, फिर ऊपर से चीनी भी ऐड कर सकते हैं। मैंने तो मीठा मावा लिया इसलिए मैं ऊपर से चीनी नहीं डाल रही हूँ। इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। हल्की सी मिठास डाली है, ज़्यादा मीठा नहीं किया मैंने मावा को, जिससे सब्जी का टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है गाइस। इसको मैंने अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया है। इसको थोड़ा सा कुक हो जाने देंगे, इसको ढक के रख देते हैं। फिर थोड़ी देर बाद देख रहे हैं, तो देखो सब्जी अच्छे से बन चुकी है हमारी।
इसका सारा पानी भी सूख चुका है देखो। अब डालेंगे हम बारीक कटा हुआ कोरिएंडर, ताज़ा हरा धनिया, जिससे सब्जी काफ़ी देखने में काफ़ी सुंदर और टेस्टी लगती है गाइस, लेटिंग भी काफ़ी अच्छी होती है इससे। इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम गैस का फ्लेम कर देंगे बंद। अब हम गैस का फ्लेम कर देते हैं बंद। चलो प्लेटिंग करना स्टार्ट करते हैं। देखो वाह कितनी स्वादिष्ट लग रही है ना गाइस, एकदम मस्त वाली, खाने में भी मेरे को बहुत टेस्टी लगी थी गाइस। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसके ऊपर थोड़ा सा और हरा धनिया डाल दिया मैंने। देखो सब्जी का कलर और कितनी अच्छी लग रही है देखने में गाइस, तो बताओ खाने में कितनी स्वादिष्ट होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।